आपको बता दें कच्चे कर्मचारियों ने हल्ला बोल दिया है सरकार पर। आपको बता दें कि हड़ताल पर रहेंगे पनबस और पीआरटीसी के कच्चे कर्मचारी। प्रदेश भर में करीब 2000 बसों का संचालन इससे प्रभावित होगा। लंबे समय से कच्चे कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। रोडवेज के बेड़े में 10,000 नई बसों को शामिल करने की मांग की है। छोटे मोटे केसों में बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने की आवाज भी उठाई है। प्रदेश भर में करीब 2000 बसों का संचालन प्रभावित होने वाला है कर्मचारियों की हड़ताल के चलते। हड़ताल पर रहेंगे पनबस और पीआरटीसी के कर्मचारी। 2000 बसों का संचालन इससे प्रभावित होने वाला है। आपको बता दें कि प्रदेश में करीब 2000 बसों का संचालन प्रभावित होगा। लंबे समय से कच्चे कर्मचारी पक्का करने की मांग कर रहे हैं। अनिल कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, आज जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर रहने वाले हैं, 2000 बसों का संचालन जो है इससे प्रभावित होगा, ऐसे में क्या कुछ अपडेट है इस ग्राउंड जीरो पर, क्या कुछ हालात? हाँ बिल्कुल, देखिए एक बड़ी मुश्किल आज रहने वाली है पंजाब में आम लोगों को लेकर, क्योंकि बड़ी संख्या में जो ट्रांसपोर्ट है पंजाब ट्रांसपोर्ट है रोडवेज है उसमें हड़ताल पर है, चाहे पंजाब रोडवेज की बात हो या पीआरटीसी के जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं सभी हड़ताल पर हैं। आज एक दिन की हड़ताल रखी गई थी लेकिन यह हड़ताल जो है अनिश्चितकालीन जाएगी। इसका फैसला जो है करीब 12 बजे फिर जो पदाधिकारी हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी एसोसिएशन पंजाब के वो फैसला लेंगे कि आगे की किस तरीके की रणनीति रहने वाली है। इसके चलते बड़ी परेशानी जरूर रहेगी क्योंकि करीब 2000 बसेस जो है पंजाब रोडवेज की बीआरटीसी की जिनमें जिनके चक्के जो हैं वो थम जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के हड़ताल पर होने के चलते। तो इस तरीके से बड़ी परेशानी जो है वो आम लोगों को झेलनी पड़ रही है और अभी भी और कल शाम के बाद से भी जो ये परेशानी है वो बड़ी, क्योंकि कल शाम से ही जो बड़े रूट की बसेस थी उन्हें रोक दिया गया था। तो आज फिर फैसला लिया जाएगा कि आखिर कब तक ये हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। लंबे समय से अपनी डिमांड जो है रोडवेज के कर्मचारी वो सरकार के सामने रख रहे हैं लेकिन उनका हल नहीं हुआ। तो पहले से घोषणा की गई थी कर्मचारियों की तरफ से कि 6 सितंबर को उनकी तरफ से हड़ताल की जाएगी जिसमें रोडवेज के बस जैसा आपने बताया कि पहले ये एक दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया गया था लेकिन बाद में जो फैसला हुआ संगठनों की तरफ से उसमें फैसला किया गया कि अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल चलेगी। लेकिन क्या कुछ मांगे हैं, क्योंकि एक तो पक्का करने के नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, इसके अलावा क्या कुछ मांगे हैं इन कर्मचारियों की? बिल्कुल, देखिए पंजाब अगर रोडवेज की बात की जाए तो बड़ी मांग ये रही है पंजाब में रोडवेज की कि जो रोडवेज के बेड़े में बसेस हैं उनमें संख्या ज्यादा प्राइवेट बसों की है, ज्यादा निजी जो बसें हैं उन्हें रूट परमिट दिए गए हैं। ऐसे में जो रोडवेज की बसें हैं उनकी संख्या काफी कम है। जो कर्मचारी भर्ती हैं उनमें बड़ी संख्या कर्मचारी जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती है। इन कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती कर्मचारियों को रेगुलर करने की डिमांड जो है वो प्रमुखता से है इसमें, और 10,000 नई बसें जो है रोडवेज के बेड़े में शामिल करने की डिमांड है ताकि रोडवेज की बसें रहे। निजी बसें जो चलती हैं अधिकतर उनकी संख्या जो है वो कम की जाए। इसके अलावा पिछले समय में जो मामले दर्ज हुए कर्मचारियों पर उसके बाद काफी संख्या में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी थे जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया। इन बर्खास्त कर्मचारियों को फिर से बहाल करने की मांग जो है वो कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है जी, क्योंकि प्रदेश भर में हड़ताल होनी है। अनिल, ऐसे में कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए? देखिए क्योंकि आप ये माना जा रहा है कि 2000 के करीब जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं और उन 2000 के करीब बसेस रहती हैं जो बाधित रहेंगी। इसके अलावा जो डिपोज हैं अलग अलग जिलों में वहां पर पुलिस बल लगाया गया है क्योंकि जो कर्मचारी हैं वो धरनों पर रहेंगे। और इस बीच दूसरी जो बसेस हैं जो प्राइवेट बसेस हैं उनका उनको किसी तरीके से उनका चलना जो है वो बाधित ना किया जाए तो पुलिस बल हर जिले में डिपोज में जहां जहां धरने पर कर्मचारी बैठे हैं वहां पर लगाया गया है। चंडीगढ़ में जो सेक्टर 17 के बस स्टैंड की बात की जाए, सेक्टर
47 के बस स्टैंड की बात की जाए तो वहां पर भी काफी संख्या में कर्मचारी इकट्ठा है, वहां पर भी पुलिस के बंदोबस्त किए गए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका इस तमाम जानकारी के लिए, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो आज हड़ताल पर रहेंगे पनबस और पीआरटीसी के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। प्रदेश भर में करीब 2000 बसों का संचालन इससे प्रभावित होने वाला है। लंबे समय से कर्मचारी पक्का करने की और कुछ अन्य मांगों को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं। उधर दिल्ली सरकार ने शिक्षक